नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के रिगार्डिंग। एक यहाँ पे अच्छी है, एक यहाँ पे बुरी खबर आ रही है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे हम सबको पता है कि जिक्सन सिंह को जो यहाँ पे मुंबई सिटी के सामने जो शोल्डर इंजरी हुआ था, उसमें यह न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे अगर उनको यहाँ पे सर्जरी कराना पड़ा देन ही विल बी आउट फॉर मोर देन 4 वीक्स। और इसका साफ मतलब है कि जो यहाँ पे हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पहले दो मैचेस है कुवैत एंड कतार के सामने, ही विल बी डेफिनेटली मिस। तो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर नेशनल टीम, बिकॉज हम सबको पता है कि कितने क्रूशियल प्लेयर हमारे जो स्टार्टिंग 11 या फिर ओवरऑल एज अ स्क्वाड के हिसाब से जिक्सन सिंह है। जितना हम अनवर अली को क्या बोलते हैं इंपोर्टेंस देते हैं, आई थिंक उसी तरह का इंपोर्टेंस जिक्सन सिंह का भी अगर आप देखिए एज अ नंबर 6 के रोल में है। अगर इंडिया की टीम की पिछले कुछ पास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता है देन अगर हम बैकअप के ऑप्शन की बात करें तो डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन इज अपुया। बट वी ऑल नो कि कोच के साथ जो इश्यू है उसके चलते आई थिंक चांसेस आर वेरी लेस कि उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए। मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ही शुड बी कॉल्ड अप। यहाँ पे जो आपके सारे इश्यू से एक तरफ रखने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर से हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसमें आपको ऐसे क्वालिटी प्लेयर की जरूरत है। अगर आपको कुवैत के सामने अवे में कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है देन यू नीड अ सॉलिड नंबर 6 विदाउट अ डाउट। अगर मान लीजिए कि अपुया सिलेक्ट नहीं होता तो अगर हम दूसरे ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली आपके जगह अगर एक्सपीरियंस ऑप्शन की अगर आप और जाएंगे तो आपके पास ऑब्वियसली वहाँ पे एफसी गोवा से यहाँ पे रेनियर फर्नांडिस इज डूइंग रियली वेल, ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इंडिया एक्सपीरियंस है। यहाँ पे रोलिन बोर्जिस है जिन्होंने भी इंडिया के साथ काफ़ी मतलब उन्होंने भी खेला है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लान मार्टिन से मोहन बगान के साथ, लेकिन वो यहाँ पे अभी उतने अच्छे रिदम में नहीं दिख रहे हैं। सुरेश वांगजाम एंड रोहित कुमार दोनों तो है ही है एंड सुरेश वांगजाम यहाँ पे धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं अपने फॉर्म में। रोहित कुमार आई डोंट सी मतलब उसका तो हम सबको पता है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। अगर हम यंगर ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे आयुष देव छेत्री है फ्रॉम एफसी गोवा। उसके अलावा अमरजीत सिंह की हम जिसके बारे में कोच साहब ने भी तारीफ की थी पंजाब एफसी से। उसके अलावा यहाँ पे सैमुअल किंसी फ्रॉम पंजाब एफसी, फ्रेडी फ्रॉम क्या बोलते हैं कि केरला ब्लास्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन। पुतिया है आपके पास यहाँ पे ओडिशा एफसी से। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन, आपको देखना पड़ेगा कि आप या तो एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहते हो या फिर यंगर प्लेयर को यहाँ पे मौका देना चाहते हो, क्योंकि दिस विल बी क्रूशल मैचेस फॉर इंडिया अपकमिंग यू कैन से की फ्यूचर। सो लेट सी यहाँ पे लेट होप सो कि जिक्सन सिंह यहाँ पे रिकवर करे, लेकिन चांसेस लुकिंग वेरी वेरी लेस। सो देखते हैं यहाँ पे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। लेट मी नो गाइस, आपको आप कौन से प्लेयर को अगर जिक्सन सिंह यहाँ पे नहीं खेल पाते तो किस प्लेयर को यहाँ पे स्क्वाड में देखना चाहते हैं। उसी के साथ यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि यहाँ पे ईशान पंडिता भाई फुल्ली फिट हो चुके हैं एंड उन्होंने कल यहाँ पे एक जो फ्रेंडली मैच खेला था केरला ब्लास्टर ने उसमें उन्होंने खेला भी है और गोल भी स्कोर किया है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम सबको पता है कि स्ट्राइकर में भी हमारे पास उतने सारा ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखें तो मनवीर सिंह नो डाउट हम एज ए बैकअप सुनील सर के बैकअप पे लेके जा रहे हैं, लेकिन क्लब में वो यहाँ पे विंग्स में खेलता है एंड विंग्स में उसका परफॉर्मेंस जनरली अगर आप नंबर 9 से देखें तो मच बेटर रहता है, मच मोर इफेक्टिव वो रहता है। सो आई थिंक ईशान पंडिता जैसे एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर यहाँ पे अवेलेबल होना काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा। यहाँ पे शिवा शक्ति आउट ऑफ फॉर्म है, रहीम अली आउट ऑफ फॉर्म है, तो आई थिंक ईशान पंडिता विल बी ए गुड बैकअप ऑफ सुनील छेत्री एंड लेट होप सो कि जो ये 2-3 मैच केरला ब्लास्टर बिफोर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने वाली है उसमें ईशान पंडिता फुल्ली फिट रहे, अच्छा परफॉर्मेंस दे, एक कॉन्फिडेंस गेन कर ले ताकि हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एज अ सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम उसको यूटिलाइज कर पाए। उसके बाद दूसरी न्यूज़ आ रही है गाइज यहाँ पे आई लीग ब्रॉडकास्टिंग की। जी हाँ गाइज, आई लीग भी अराउंड दी कॉर्नर रही है एंड अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग कुछ हुआ नहीं है। तो इंटरनल सोर्सेज से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे सोनी ने इंटरेस्ट दिखाया था आई लीग को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने का, लेकिन AIFF ने उनके ऑफर को यहाँ पे ठुकरा दिया है। सो दैट्स अ सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज हम सबको पता है कि करंटली अगर बेस्ट ब्रॉडकास्टर कोई इंडिया में है तो वो है सोनी। जिस तरह की उसकी क्वालिटी है, सारी चीज़ें है, आई थिंक उससे बेटर आपको ब्रॉडकास्टर मिल नहीं सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे AIFF ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है। सो लेट्स सी अब किसको यहाँ पे जो नए ब्रॉडकास्टर है वो किसको ऑफर यहाँ पे मिलता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ आई लीग। लेट होप्स हो कि एक अच्छी क्वालिटी में जिस तरह से हम ISL को एंजॉय कर रहे हैं उसी लेवल पे अगर आई लीग का भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा तो और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आई लीग को भी देखेंगे, जो व्यूअरशिप के हिसाब से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आई लीग के एक और नए क्लब के बारे में। इंटरकाशी के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बात होती रहती है, लेकिन उसी के साथ एक एक्साइटिंग क्लब आने वाला है वो है यहाँ पे नामधारी फ्रॉम पंजाब, हम सबको पता है। एंड उनके जो CEO है शेर सिंह, उन्होंने कुछ यहाँ पे क्लब के प्लान को रिवील किया है। उन्होंने बोला है कि हमारा जो फोकस है वो है यहाँ पे हमारे जो लोकल प्लेयर है, लोकल टैलेंट है, उसको डेवलप करना। और नामधारी हम सबको पता है कि जिस तरह से स्पोर्टिंग एकेडमी है उन्होंने पास्ट में भी यह करके दिखाया है इन हॉकी, वहाँ से कुछ लेजेंडरी प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। बैडमिंटन में भी कुछ उन्होंने इंडिया को एक काफ़ी बढ़िया प्लेयर दिए हैं एंड अब उनका पूरा फोकस है कि फुटबॉल में भी अब यहाँ पे हमें इस तरह के टैलेंट इंडिया के लिए प्रोड्यूस करना है। एंड उन्होंने अगर अपकमिंग सीजन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चाहते हैं कि अपकमिंग सीजन में वो यहाँ पे कोई यूरोपियन क्लब के साथ यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, ताकि जो इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे है उनको यहाँ पे
बाहर की फैसिलिटीज़ में वहाँ पे जाके एक्सपोजर टूर खेलने मिले उनके प्लेयरों को और ओवरऑल डेवलपमेंट उनका अच्छा हो पाए। इस सीज़न उन्होंने 3 ही फॉरेन प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जबकि आई लीग में हम सबको पता है कि 4 फॉरेनर आप स्टार्टिंग 11 में भी खिला सकते हो। तो उनका जो पूरा फोकस है वो है यहाँ पे होम ग्राउंड टैलेंट को क्या बोलते डेवलप करना एंड नामधारी जैसा एक ओवरऑल वीकेंस है कि फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जो पहले से स्पोर्टिंग फील्ड में काम कर रहा है, ऐसा कोई ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्ट करता है देन डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट फॉर इंडियन फुटबॉल एंड करंटली वो यहाँ पे पंजाब की जो स्टेट लीग चल रही है उसमें भी टेबल टॉप पे है। सो आई थिंक नामधारी भी आई थिंक उतनी ज़्यादा उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी आई लीग टीमों को वो सरप्राइज कर सकते हैं। उनकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, उनका जो ग्राउंड है वो भी अभी करंटली आप देखिए कि ज़बरदस्त है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे अवे टीम्स ने उनको विजिट किया है, उनके ग्राउंड को, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, उनकी ड्रेसिंग रूम को, सब ने उनकी तारीफ की है और बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। सो लेट होप सो कि इस तरह के क्लब और भी ज़्यादा हमें यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के सेटअप में देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडोनेशिया मलेशिया जैसे कंट्रीज जो कि हमारे से लोअर रैंक है और उन्होंने भाई यहाँ पे एशियन कप की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंडलीज का क्या बोलते कि आयोजन कर लिया है। यहाँ पे थाईलैंड ने भाई जापान के साथ यहाँ पे 1 जनवरी को बिफोर दी एशियन कप यहाँ पे फ्रेंडली खेलेगी, मलेशिया सऊदी अरेबिया के सामने खेलने वाली है, लेकिन इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं किया है। थाईलैंड का भी गाइज यहाँ पे 29 दिसंबर को लीग खत्म हो रहा है, सो सेम एज इंडिया का भी लीग यहाँ पे 29, तो इसका मतलब दोनों के पास सेम ही टाइम है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे प्री प्लान कर लिया है। तो लेट होप सो AFF भी इस डायरेक्शन में देखे भाई, देखिए लास्ट मोमेंट पे अगर आप यहाँ पे किसी कंट्रीज को अप्रोच करोगे और उनके साथ फ्रेंडली ऑर्गेनाइज करवाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए जापान कमिटेड, सऊदी कमिटेड, कतार और इन सब ने भी अपने प्लानिंग कर ली है, तो फिर आपको कोई ऐसी कंट्री मिलेगा कि जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आपको उज्बेकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेक ऑन करना है तो यू नीड अ बिग फ्रेंडली योर यू कैन से प्रैक्टिस मैच बिफोर द एशियन कप विद द बिग टीम, ताकि आपकी टीम को एक क्या बोलते इंटेंसिटी का और उन सब का पता चल जाए, जो सुनील सर ने आई थिंक 1-2 महीने पहले बोली थी बात की, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ भी चांस आपका रखना है तो आपको उससे पहले एक ऐसा फ्रेंडली खेलना पड़ेगा कि जहाँ पे हमारे प्लेयरों को आइडिया मिले कि हाँ भाई किस लेवल का मैच होने वाला है। सो आई थिंक इन दैट सेंस AFF हैज़ टू बी यू कैन से प्लान समथिंग एंड ज़रूर उनको एक यहाँ पे क्या बोलते कि एक फ्रेंडली प्लान करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भाई हमारे नेबर्स के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो जी हाँ गाइस, इंडिया के फॉर्मर हेड कोच भाई स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ अब खत्म हो चुका है। फ्राइडे तक का कॉन्ट्रैक्ट था ये, 15-20 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था और उनको सिंपल सा टास्क दिया गया था कि आपको भाई राउंड 2 में हमें क्वालिफाई करना है एंड अब ये न्यूज़ आ रही है कि उनको यहाँ पे वो रिलीज़ कर रहे हैं। सो दैट्स अ बिग सरप्राइज, क्योंकि जिस बंदे ने आपको आपकी हिस्ट्री में पहली बार राउंड 2 में क्वालिफाई करवाया है उसको आप रिन्यू नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की ओर से क्या बोलते रीज़न दिया जा रहा है कि हमारे पास जो फाइनेंस टर्म्स जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन आस्क कर रहे हैं वो अभी फुलफिल नहीं कर सकते एंड और भी कुछ यहाँ पे क्या बोलते कि जो उनकी डिमांड है वो, तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन विल नॉट कंटिन्यू विद द पाकिस्तान फुटबॉल टीम एंड दैट्स अ बिग ब्लो फॉर देम बिकॉज नेक्स्ट मंथ उनको राउंड 2 भी खेलना है। सो लेट्स सी नए कोच यहाँ पे कौन बन के आते हैं या फिर एंड मोमेंट पे क्या वो यहाँ पे कन्विंस कर लेते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन टू स्टे, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बन जाएगा। लास्ट में गाइज यहाँ पे हमारे जो AFF के जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो हेड थे वैभव गग्गर, उनको भाई यहाँ पे AFC की अपील कमेटी में यहाँ पे जगह मिल चुकी है एंड दैट्स अ बिग न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल, बिकॉज हमारे जो ना कि सिर्फ स्पोर्टिंग वाइज आपके जो यहाँ पे बिहाइंड द सीन या फिर जो एज ए मैनेजमेंट वाइज की जो आपके इंडिया के जो बंदे हैं वो भी अब यहाँ पे AFC में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ एंड AFC की जो अपील कमेटी है वो यहाँ पे AFC की जो क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी एंड एथिक्स कमेटी के ऊपर रखी जाती है, तो आई थिंक काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इंडिया को ओवरऑल एज ए इस तरह के जो डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट होगा या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें होगी वहाँ पे गाइडेंस यहाँ पे वैभव गग्गर का मिल सकता है, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टूडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।